बॉलीवुड और क्रिकेटर्स के बीच हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखा गया है। अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आईसीसी वुमेन्स और मेंस टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफी करीना ने अनवील कर दी है। इस मौके पर करीना ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैं इसका हिस्सा बनकर बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूं। आपको बता दें, करीना कई दफा क्रिकेट के लिए अपनी चाहत जाहिर कर चुकी है। इनफैक्ट बेबो अपने रियलिटी शो में अपने बेटे तैमूर को उनके दादा की तरह क्रिकेटर बनाने का सपना देखती है। आपको बता दें, सैफ के फादर भारतीय क्रिकेटर और पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी एक शानदार क्रिकेटर थे। फिल्म इंडस्ट्री में स्टार किड्स को लेकर फैंस के बीच अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिलती है। पिछले साल बॉलीवुड के दो स्टार किड्स सारा अली खान और जानवी ने बॉलीवुड में कदम रखा। उस वक्त लोगों ने दोनों को खूब कंपेयर किया। दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें कई बार सामने आई। हाल ही में जिम के बाहर सैफ की बेटी सारा और श्रीदेवी की बेटी जानवी को स्पॉट किया गया। जानवी और सारा ने एक दूसरे को अच्छे से ग्रीट किया और हंसी मजाक करती दिखाई दी। जानवी को ब्लैक कलर के आउटफिट में स्पॉट किया गया और सारा ऑरेंज और व्हाइट रंग के कॉम्बिनेशन वाले जिम लुक में नजर आई। बॉलीवुड में शाहरुख खान का नाम उन सितारों में शामिल होता है जिनके फैंस दुनिया के हर कोने में हैं। शाहरुख को किंग ऑफ रोमांस, बादशाह जैसे नामों से नवाजा गया है। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख बहुत जल्द अपने फैंस के लिए एक सरप्राइज लेकर आने वाले हैं। शाहरुख का 2 नवंबर को जन्मदिन है जिसके लिए फैंस काफी बेकरार दिख रहे हैं। किंग खान के फैंस की दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके जन्मदिन से पहले ही #2daysforkingkhansbirthday ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। स्टार्स का स्टारडम उनको कॉमन लोगों से अलग बनाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये स्टार्स स्टारडम से दूर खुद भी जमीन से जुड़ा रहना पसंद करते हैं। और इस बात का सबूत खुद अक्षय कुमार ने दिया है। अब देखिए ना, रोज की तरह अक्षय अपनी बेटी नितारा के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे कि अचानक दोनों को प्यास लगी। अक्षय ने पानी खरीदने के बजाय पास में बने एक स्लम एरिया में घुसकर पानी मांगा, लेकिन इस घर में मौजूद कपल ने अक्षय को न सिर्फ पानी दिया बल्कि देसी अंदाज में गुड़ रोटी भी ऑफर की। ये देख अक्षय काफी इमोशनल हो गए। इस पूरे इंसिडेंट को अक्षय ने ट्विटर पर शेयर किया और बताया कि कैसे ये उनकी छोटी सी बेटी की लाइफ में एक बड़ा लेसन साबित होगा। अर्जुन कपूर की मच्यूरेटेड फिल्म पानीपत का पहला पोस्टर आउट हुआ है। पोस्टर में फिल्म से जुड़ी काफी डिटेल्स मेकर्स ने रिवील की है। फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज होगी, इस बात की जानकारी भी पोस्टर में दी गई है। फिल्म को लेकर अर्जुन ने काफी मेहनत की है। अर्जुन के साथ फिल्म में कृति सेनन भी नजर आएंगी। बस अब फैंस को इंतजार है फिल्म पानीपत में अर्जुन को देखने का। हाल ही में हमने आपको करीना कपूर खान और तैमूर की एयरपोर्ट की पिक्चर्स दिखाई थी जिसमें माँ बेटे ने बूट्स का कॉम्बिनेशन मैच किया हुआ था। और चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं नन्हे तैमूर के बूट्स कितने रुपए के थे। आपको जानकर हैरानी होगी, तैमूर के इन बूट्स की कीमत 10,600 रुपए थी जबकि उनकी शर्ट की कीमत 400 रुपए। तैमूर के बूट्स की कीमत जानने के बाद हर कोई हैरान हो रहा है। बॉलीवुड की स्लो मोशन गर्ल दिशा पाटनी कितनी फिटनेस फ्रीक है ये किसी से छिपा नहीं है। आए दिन इंस्टाग्राम पर दिशा अपने वर्कआउट की वीडियोस शेयर कर सभी को हैरान करती रहती हैं। अब दिशा ने एक और वीडियो पोस्ट कर फैंस की अटेंशन ग्रैब की है, लेकिन दिशा के इस वीडियो में फैंस दिशा पर कम और टीम टाइगर पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब टीम टाइगर से आप कुछ और समझे तो हम आपको बता दें, जिस जगह पर दिशा ने ये वीडियो शेयर की है वहीं पर काफी बड़ा बड़ा लिखा है टीम टाइगर, और यही टीम टाइगर फैंस की अटेंशन ग्रैब कर रहा है। वेल, फैंस दोनों स्टार्स को बिग स्क्रीन पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में पिछले लगभग 50 सालों से बिना थके फिल्मों में काम कर रहे हैं। कभी फिल्म की शूटिंग होती है तो कभी किसी टीवी शो की, और अगर फिर भी वक्त मिले तो शहंशाह इवेंट्स में जाना पसंद करते हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हेल्थ इश्यूज के चलते शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर में शामिल नहीं हो सके, इस बात की जानकारी इवेंट के ऑर्गेनाइजर ने दी। अमिताभ को 30 अक्टूबर को इस इवेंट में शामिल होना था। आपको बता दें, पिछले काफी वक्त से अमिताभ बच्चन की हेल्थ थोड़ी खराब चल रही है जिसके चलते बिग बी फिलहाल पूरी तरह से रेस्ट पर है। अपने एक्शन सीन्स के लिए मशहूर जॉन अब्राहम अब एक और फिल्म की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी उनके एक्शन स्टंट्स देखने को मिलेंगे। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बाटला हाउस के बाद अब जॉन अब्राहम फिल्म अटैक की तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म में भी कई फाइटिंग और एक्शन सीन्स होंगे जो दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे। जॉन ने फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें कई मशीन गन्स और पिस्टल दिखाई दे रही है। साथ ही जॉन अब्राहम एक एक्सपर्ट के साथ गन चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि जॉन अब्राहम को एक एक्सपर्ट गन चलाने और गन होल्ड करने की ट्रेनिंग दे रहा है। इस वीडियो के साथ जॉन ने लिखा, अटैक करने के लिए हो रहा हूं तैयार, मेरी अगली एक्शन फिल्म।
बॉलीवुड 2020 में हमने आपको बताया था कि टाइगर श्रॉफ बागी 3 की शूटिंग स्टार्ट कर चुके हैं और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइगर श्रॉफ और बागी 3 से जुड़ी लेटेस्ट खबर। रिपोर्ट्स की माने तो टाइगर सर्बिया के लिए रवाना हो गए हैं। यहां पर बागी 3 के एक्शन सीक्वेंस को शूट किया जाएगा। बागी 3 के मेकर्स फिल्म को फुल एक्शन पैक्ड बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और यही वजह है कि सर्बिया की लोकेशन को चुना गया है। यहां का रफ लैंड बागी 3 के लिए सूटेबल माना जा रहा है। आपको बता दें बागी 3 सर्बिया में शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म होगी। इससे पहले खबर आ चुकी है बागी 3 में हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स होंगे। 400 गाड़ियों को एक साथ 15 मिनट में स्मैश करने का सीक्वेंस होगा। बागी 3 से जुड़ी पल-पल की अपडेट फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा रही है। फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली सारा अली खान ने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीता। सारा फिलहाल वरुण धवन के साथ कुली नंबर 1 के रीमेक की शूटिंग में बिजी है। खबरों की माने तो सारा जल्द ही उरी स्टार विकी कौशल के साथ नेक्स्ट फिल्म में नजर आ सकती हैं। खबरें हैं डायरेक्टर अनीस बज़मी भूलभुलैया 2 के बाद एकता के साथ अपनी नेक्स्ट फिल्म पर काम करेंगे, जिसमें विकी कौशल और सारा अली खान साथ नजर आ सकते हैं। खबरें हैं सारा ने फिल्म की स्क्रिप्ट रीड की है और उन्हें स्क्रिप्ट काफी पसंद आई है। 2018 से मीटू मूवमेंट सबसे ज्यादा सुर्खियों में छाया रहा है और अभी तक मीटू की आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में अनु मलिक की इंडियन आइडल में हुई वापसी पर भी काफी सवाल उठाए गए। सोना महापात्रा के साथ साथ नेहा भसीन ने भी अनु पर आरोप लगाए। अब एक बार फिर सोना ने अपनी आवाज उठाते हुए सिंगर सोनू निगम पर भी गलत का साथ देने का इल्जाम लगाया। सिंगर सोना महापात्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, सोनू निगम ने पब्लिकली अनु मलिक का साथ दिया। उन्होंने राम संपत को कॉल करके कहा था कि मुझ पर ध्यान रखें और मुझे टेररिस्ट तक कह डाला था। आज वो काफी खुश होंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस और फॉर्मर मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन अपना 46वां जन्मदिन मना रही है। इस खास मौके पर ऐश्वर्या राय बच्चन को उनके हबी अभिषेक बच्चन ने बेहद रोमांटिक अंदाज में बर्थडे की विशेष दी है। ऐश को जन्मदिन की सुबह सुबह पति अभिषेक बच्चन ने इंस्टाग्राम पर विश करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। इसी के साथ एक्टर ने हार्ट शेप की मोजी शेयर की है। अभिषेक के इस बेहद क्यूट और रोमांटिक कैप्शन पर सभी की निगाहें टिक गई है। साथ ही साथ अभिषेक ने ऐश्वर्या की खूबसूरत पिक्चर शेयर की है। पूजा बत्रा नवाब शाह से शादी कर रातों रात लाइमलाइट में आ गई थी और अब एक बार फिर पूजा ने मीडिया की अटेंशन ग्रैब की है। इस बार वजह है पूजा की नई लग्जरी गाड़ी, जो खुद पूजा ने अपने आप को गिफ्ट की है। पूजा की इस न्यू कार की कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही है। खास बात यह है कि पूजा की टेस्ला मॉडल 3 कार अभी इंडिया में लॉन्च होनी बाकी है। दिसंबर 2020 में ये कार इंडिया में आएगी और उससे पहले ही पूजा ने इसे खरीद लिया है। वेल, अब पूजा को तो अपनी नई कार का इंतजार है, साथ ही फैंस को भी पूजा को इस कार में ट्रेवल करते देखने का इंतजार है। बॉलीवुड स्टार्स खुद को रिलैक्स करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। कभी अपने फ्रेंड्स के साथ ये स्टार्स वेकेशंस पर निकल जाते हैं तो कभी खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। बीते दिन हमारे कैमरे में कई स्टार्स कैप्चर हुए। सबसे पहले अर्जुन कपूर को स्पॉट किया गया। इस दौरान अर्जुन ब्लैक आउटफिट में नजर आए। वहीं एयरपोर्ट पर आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर को कैप्चर किया गया। जैसे ही फैंस की नजरें आलिया और आदित्य पर गई, सभी ने उन्हें फोटोज क्लिक करवाने के लिए कहा। नायसा देवगन और सारा को भी हमने अपने कैमरे में कैद किया और लास्ट बट नॉट द लीस्ट तापसी पन्नू को खार में देखा गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी बिजी चल रही हैं। हाल ही में दीपिका ने इस बात का खुलासा किया था कि वो जल्द ही महाकाव्य महाभारत पर बन रही फिल्म में द्रौपदी का किरदार निभाती दिखेंगी और फिल्म की पूरी कहानी द्रौपदी के नजरिए से दिखाई जाएगी। वही खबरों की माने तो दीपिका और उनके अच्छे फ्रेंड मधु मंटीना एक साथ जल्द ही एक फिल्म पर काम करने वाले हैं। खबरों की माने तो मधु ने हाल ही में कोटा रानी बायोपिक अनाउंसमेंट की है, जो कि कश्मीर की आखिरी हिंदू रानी के जीवन पर बेस्ड होगी। मंटीना के साथ इस फिल्म के लिए रिलायंस एंटरटेनमेंट ने हाथ मिलाया है। खबरें हैं दीपिका भी इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड है और अगर सब सही रहा तो दीपिका एक बार फिर पीरियड ड्रामा फिल्म में नजर आएंगी।